नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई भारत, जी हाँ साथियों, भारत से संबंधित, विदेश से संबंधित बात करने वाले हैं। बात टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, ये बातें मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई सऊदी अरबिया में इंडियन वर्करों का शोषण होता है, ये आपने देखा होगा, सऊदी वालों ने खासतौर से देखा होगा। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड, जी हाँ साथियों, अमेरिकन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि भारत के वर्करों की विदेश में क्या स्थिति है और भारत की सरकार इसमें क्या रोल निभा रही है, पूरी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फेसबुक पेज वाले भी पेज को फॉलो जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे, अमेरिकन एक रिपोर्ट, ईयरली एक रिपोर्ट बनती है, उसमें ये देखना होता है भाई, क्योंकि अमेरिका तो वर्ल्ड में सुपर पावर कंट्री है, तो सब पे वही बनाता है रिपोर्ट और उनकी रिपोर्ट लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। चाइना जैसी कंट्री पर भी वही रिपोर्ट बनाते हैं। आज हम बात करेंगे मानव तस्करी, जी हाँ साथियों, और मानव तस्करी कौन सी, जो इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अपना चैनल थोड़ा अलग है, इंटरनेशनल बात करेंगे। इंडिया के वर्कर और ख़ास तौर से महिलाएं विदेश में जाते हैं कमाने के लिए, उनके साथ वहाँ पे क्या होता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तीन कंट्रियों के बारे में बताऊँगा, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। चाइना की स्थिति साथियों इंडिया से बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाइना को नंबर 3 कैटेगरी में रखा है अमेरिकन रिपोर्ट ने, कि भाई चाइना एक ऐसी कंट्री है कि अपने लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, कौन मर रहा है कौन जी रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको 3 कैटेगरी में रखा है। ये इसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है भाई सरकार अपने वर्करों के हित में कितने काम करती है ताकि उनका शोषण होने से बच सके। दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान को 2 नंबर श्रेणी में, निगरानी की श्रेणी में रखा है, उस पर अमेरिका की जो कमेटी है वो नज़र रखे हुए बनाए हुए है कि ये कितना वर्करों का सपोर्ट करती है मानव तस्करी में विदेश से रिलेटेड, जहां पाकिस्तानी इंडियन वर्करों का विदेशों में शोषण होता है और लोकल इंडिया या पाकिस्तान के अंदर भी शोषण होता है। 3 नंबर पर हम बात करते हैं इंडिया से रिलेटेड, जी हाँ साथियों, अब इंडिया को 2 नंबर कैटेगरी में रखा है, पिछली बार भी 2 पे ही था, इस बार भी वहीं का वहीं रख दिया, क्योंकि अमेरिकन रिपोर्ट ने यह बोला है कि इंडियन सरकार ने कोशिश करी है, प्रयास किए हैं कि भाई हमारे वर्करों के साथ कोई नाजायज नहीं हो। इसमें उन्होंने एग्जांपल भी दिए थे कि भाई सरकार ने उसको सजा दे दी, उसको ये कर दिया वो कर दिया, इस हिसाब से सरकार को ठीक माना है। हालांकि ज़्यादा अच्छे प्रयास नहीं हुए लेकिन ठीक ठाक बताया गया। अब होता क्या है मैं बता दूँ, इंडियन वर्कर खास तौर से महिलाएं, मैंने भाई एक वीडियो बनाया था कि हमारा इंडियन भाई वहाँ पर फंसा हुआ है और वहाँ के लोग उनको मार रहे हैं, तो मैंने ये बोला था कि सऊदी अरबिया में वर्क लेडीजों का, खास तौर से औरतों का भी शोषण होता है। और ये होता कैसे मैं बता दूं, एजेंटों के द्वारा इनको अच्छे जॉब के नाम से ले जाया जाता है, वहां जाके वो उनको बेचना, उनके साथ शोषण करना, उनको मानव तस्करी के तहत वो मामला आता है। अमेरिका के आपको पता होगा लगभग 162-166 के करीब फंसे हुए, अभी महीने भर पहले अमेरिकन ने लौटाए थे, इंडियन वर्कर आए थे ना जेलों में फंसे हुए, तो उन्होंने ये बोला था कि मानव तस्करी यहाँ पे होती है, तो सेम कंडीशन ये है। अब ये एजेंट लोग क्या करते हैं मैं बता दूं, एजेंट लोग मान लो या दलाल जिसको बोल सकते हैं, दलाल भी आप बोल सकते हो, खास तौर से महिलाओं को बार डांसर के नाम से, आर्केस्ट्रा के नाम से, जो प्रोफेशनल होती हैं नाच गाने में, उनको बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हम आपको सऊदी में, कुवैत में, और सबसे ज़्यादा महिलाओं की स्थिति खराब कहाँ है, सऊदीया में और कुवैत में, जी हाँ साथियों, इसका रीज़न भी मैं बताऊँगा। इसमें ये बता, इस नाचने गाने के नाम से वहाँ पे लेके जाना, अच्छी जॉब के नाम से वहाँ पे लेके जाना, घरेलू नौकरानी के नाम से जॉब दिलवाना, इनके नाम से वहाँ पे लेके जाते हैं, फिर इनका अग्रीमेंट जो इनको बताया जाता है वो उनको नहीं मिलता, उनको तनख्वाह वो नहीं मिलती, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, काम ज़्यादा करवाया जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है, घर के बाहर उनको नहीं निकलने दिया जाता। इंडियन महिलाओं की ये स्थिति है, सऊदी अरबिया और कुवैत की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ साथियों, ये केस हाईकोर्ट तक पहुँच चुके हैं, ये बात मैंने पहले भी ये बताई थी। इस मामले में सरकार हालांकि अपनी कोशिश कर रही है, इंडियन अमेरिकन एजेंसी ने यह बताया है, लेकिन इंडियन सरकार खरे मानकों पर पूरी नहीं उतरती है, हालांकि इस पर कंट्रोल है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, 2014 के बाद में हम बात कर लेते हैं, तो आपको पता है जितना आसानी से विदेश जाते थे, नहीं जा रहे ना, हमारे स्थिति इधर तो स्थिति राजस्थान में इतनी खराब हो गई कि मनमर्जी विदेश, पहले पासपोर्ट फेंकने के साथ वीजा जाता था, अब नहीं आता, खुद को इंटरव्यू देना, पूरा प्रोसेस करना, मतलब काम थोड़ा जटिल हो गया। इसका मतलब गवर्नमेंट ने नियम थोड़े स्टिक कर दिए ताकि वर्करों का शोषण होने के बचाने के लिए सिस्टम किया गया है। इस आधार पे यह बात कहीं ना कहीं सत्य भी होती है, और भाई ये श्योर है सऊदी अरबिया कुवैत में महिलाओं का, इंडियन वर्करों का शोषण होता है, नो डाउट।
तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई ये स्थिति है अमेरिकन रिपोर्ट के आधार पे मैंने बताया। हालांकि गवर्नमेंट सुधार कर रही है, धीरे धीरे होगा भाई, तुरंत में तो नहीं होगा। बस आज की जानकारी ये थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।